أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. ایگور بلندتر صلوات گذشته شب هلال محرم نمودار ہو چکا ہے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ. ہماری زندگیوں کا ایک سال اور گزر گیا، نئے سال میں زندگی بسر کرنے کا اگر حوصلہ پیدا کرنا ہے تو حسین کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا سا پیغام نہیں ہے، یہ میں کسی مسلکی اور مذہبی فکر کے تحت نہیں عرض کر رہا ہوں. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مذہبی مسلکی اور دینی عقیدے اور جذبے سے کہہ رہا ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذہنوں میں حقیقت کی جستجو بیدار کریں. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں، ان سے میری التماس یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تنگ نظر سمجھنے والا ممکن ہے کہ خود بھی یہ بات تنگ نظری کے بنا پر کہہ رہا ہو، اس لیے پہلی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آفاق نظر کو وسعت بخشے، خود اپنے آفاق ذہنی کو وسیع سے وسیع تر کرے. اگر دوسری چیز ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے تو کہیں ہماری نظر کی کمزوری تو نہیں ہے. پڑھ کر مارنا
इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए मैंने इस मरतबा अशरे मुहर्रम में उन्वान गुफ्तगू रखा है हकीकत और हुसैन। ये उन्वान बजाय खुद बहुत बड़ा उन्वान है और ये आइंदा 8-9 तकरीरों में मुकम्मल नहीं हो जाएगा, लेकिन जो हजरात इस तालिबे इल्म के उसलूब गुफ्तगू से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मैं उन्वानात कायम करता हूँ, जस्तजू बेदार करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे इख्तियार में कुछ है भी नहीं। ये ज़रूर है कि लुत्फ़ खुदा से इस मिंबरे हुसैनी पर गुफ्तगू करते हुए तकरीबन 38 या 40 बरस गुजर गए और मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि जिस उफ़ुक़ इल्मी पे गुफ्तगू पिछले बरस शुरू की थी इस बरस की गुफ्तगू उससे बुलंदतर उफ़ुक़ से शुरू हो। गुफ्तगू में तकरार ना हो, हवालों में तकरार मुमकिन है, रेफरेंसेस में तकरार मुमकिन है। तकरार यानी किसी बात को दोहराना, हवाले दोहराए जा सकते हैं, लेकिन जो फिक्र है, जो मकाम सुखन है, जो मकाम गुफ्तगू है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ बात छोड़ी थी बात अब उससे आगे बढ़ाई जाए। मुझे अच्छी तरह याद है गुज़श्ता बरस इसी मरकज़ बाबुल मुराद लंदन में गुफ्तगू था, गुफ्तगू का उन्वान था मुस्तक़बिल और हुसैन। माजी और हाल से गुजर जाने के बाद मुस्तकबिल की मंजिल आती है, लेकिन माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों पे गौर कर लेने के बाद फिर मुतलक हकीकत पर नजर ठहरती है। हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, देखिए फिर अर्ज करूं ठहर कर। आप सब यहाँ या अक्सर हजरात यहाँ ज्यादातर एक खास मजहबी जज्बा लेकर आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ मजहबी जज्बा लेकर नहीं आए। और ये दौर, ये आसर, ये अहद, ये जमाना सिर्फ मजहबी टर्मिनोलॉजी में, सिर्फ मजहबी जबान में, मजहबी इस्तिलाहात में, सिर्फ रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में मुतमइन नहीं होता। हाना के बिलाखर उसे इत्मीनान वहीं मिलता है, लेकिन जमाने के तकाजे होते हैं। इस वक्त हमारे मकातिब में, मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, मीडिया में, साइंस की बिरादरी में, समाजियात से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान, पूरी दुनिया में जो एक फजा है, फिक्री फजा, फिक्री माहौल, जो सोचने का एक तर्ज बन गया है, जो एक ढंग बन चुका है सोचने का, उमूमन वो मजहबी नहीं है, उमूमन वो रिलीजियस नहीं है। इसलिए हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारी गुफ्तगू भी सिर्फ और सिर्फ मजहब तक महदूद ना रहे। मजहब खुद आया था इसलिए ताकि इंसान महदूद ना रहे, ला महदूद हो जाए। ये हमारी निगाह का कसूर था कि हमने उस चीज को जो हमें ला महदूद से आशना करने के लिए आया था खुद महदूद बना लिया।
दीन किस लिए आया था, मजहब किस लिए आया था, वही इलाही किस लिए नाजिल हुई थी। इंसान के सामने तो ये महदूद दुनिया है और खुद उसका वजूद बहुत महदूद है। इंसान के सामने खुद ये इंसान का वजूद एक महदूद वजूद है। इंसान के सामने ये दुनिया जिसमें इंसान जी रहा है एक महदूद दुनिया है। वही इलाही ने नाजिल होकर यह बताया कि इंसान तू महदूद नहीं है और तेरी जिंदगी इस महदूद दुनिया तक महदूद नहीं है। यानी जिसने हमें ना महदूद से आशना करना चाहा, हमने उसी को महदूद समझना शुरू कर दिया। और हमारे बहुत बहुत तलब मकाम है, इसमें कसूर अलबत्ता दोनों तरफ से है। कुछ कसूर उन मजहबी लोगों का है जो मजहब को समझे बगैर समझाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है माशाल्लाह। और कुछ उन लोगों का कसूर है जो मजहब को अपने तासुब की बिना पर समझना ही नहीं चाहते। तो दोनों तरफ से कसूर है। आप समझते हैं कि क्या तासुब मजहबी लोगों में पाया जाता है? रिचर्ड डॉकिंस को मजहब के खिलाफ तासुब नहीं है, उसे तासुब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसे तासुब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई शख्स ये तय कर ले कि हम खुदा का कलिमा नहीं सुनना चाहते, तासुब है। फरहंगे बशरी में, इंसानी डिक्शनरी में जो लफ्ज है, हमें हर लफ्ज के मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर खुदा भी कोई लफ्ज है हमारी डिक्शनरी में तो हमें उसके मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो करें। अगर अल्लाह कोई कलिमा है, कोई लफ्ज है, तो हमें इस कलिमे के मानी, इस लफ्ज के मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ फरहंगे बशरी में, जो कुछ इंसानी डिक्शनरी में, हर हर कलिमे, हर हर लफ्ज के समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात भी किसने बताई कि हर चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए? वही इलाही ने पहले बताया है। वही नाजिल हुई पहली वही में पहला कलेमा क्या था? एक तरह से गयाम पढ़ो। पहला कलेमा जो वही का ज़बान मुबारक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तमाम आलम बशरियत तक पहुंचा वो क्या था? इक़्रा। अलबत्ता ये मकाम इक़्रा भी बहुत बुलंद मकाम है, ये मामूली मकाम नहीं है। तवज्जो रखिएगा। इक़्रा पढ़ो, बहुत बुलंद मकाम है ये। पहली ही वही में, पहली वही के पहले कलमे में ऐसी अजीम बुलंदी की तरफ बुलाया गया है इंसान को, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तवज्जो फरमाने, ऐसी अजीम बुलंदी की तरफ बुलाया गया पहले ही कलमे में। इक़्रा, बहुत से अल्फाज कुरान मजीद में बार बार आए हैं, जाके देखिएगा कुरान मजीद में इक़्रा का कलमा कितनी बार आया है। बहुत नहीं, सिर्फ दो या तीन मकामात पर इक़्रा है और दो मकामात पर है इक़्रा सेवा अमर में, जमा।
ये जो पहला आया इकरा, ये खिताब किससे था? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मैं इंतजार सलावत अगर कोई शख्स ये समझ सके, ये तसव्वुर कर सके, ये दर्क कर सके कि इक़रा किस बुलंद मकाम की तरफ इंसान को बुलाया गया है इक़रा कहकर, वो ये फर्क समझ सकेगा कि इक़रा का ये मुतलक कलिमा, इसका खिताब ज़ात मुस्तफ़ा से क्यों हुआ, और यहां से कश करेगा आज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम कितनी अजीम है ज़ाते मुस्तफ़ा। के तमाम इंसान, तमाम इंसान मिलकर, तमाम जहानतें मिलकर मुस्तफ़ा की अजमत को दर्क नहीं कर सकती। उनसे खिताब है इकरा, दो मकाम पर है, दोनों मकाम पर हजरत से खिताब है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हजरत से खिताब। हमसे और आपसे कहां खिताब हुआ? सूरह मुबारक मुज़म्मिल, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, फिर दोबारा हुआ फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, फर्क है दोनों मकामात पर। हुजूर से खिताब हुआ मुतलक इक़रा पढ़ो, हमसे जब खिताब हुआ तो कहा गया फकरो मा तयस्सर मिन, जितना पढ़ सको पढ़ो। तवज्जो है, मा तयस्सर मिन, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। इसके मानी ये है कि कायनात का पूरा इल्म या कुरान मजीद का पूरा इल्म किसी एक बशर में जो गैर मुस्तफा हो या जिसके जिस्म में मुस्तफाई रूह ना हो, जिसके कल्ब में मुस्तफाई रूह ना हो, जिसके पास मुस्तफाई ज़हन ना हो, वो ना पूरी कायनात के हकायक से आगाह हो सकता है, न इस पूरे कुरान मजीद के हकायक से आगाह हो सकता है। बस ये दरख्वास्त, जितना पढ़ सको पढ़ो। काश ये पैगाम मुंतकिल हो जाए। बहुत से लोग दुनिया में पैदा हो जाते हैं, बल्कि तो तस्नीफ़ तालीफ भी एक सनत है ना, किताब लिखना और छपवाना हो किताब के जरिए से भी आमदनी कमाई एक इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री है। तो इसलिए बहुत से लोग किताब लिखते रहते हैं और छपती रहती हैं किताबें। मैं कहता हूँ किताब लिखते नहीं हैं, किताब बनाते हैं। किताब बनाना बहुत आसान है, किताब साजी, किताब बनाना, किताब लिखना बहुत मुश्किल है और किताब पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। किताब पढ़ना आप आसान समझते, इतना ही आसान काम होता तो इतने एहतमाम से हुक्म न दिया जाता। अगर इतना आसान होता, पढ़ना भी आसान नहीं तो लिखना भी आसान नहीं, तो नतीजा ये कि पढ़ा लिखा होना आसान नहीं, और पढ़ा लिखा होना आसान क्योंकि नहीं है, इसीलिए लोग तय नहीं कर पाते बहुत सी शख्सियतों के बारे में कि वो पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं। मैं मुनाज़रे का अंदाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो उसलूब, लेकिन याद रखिए मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लोग ये समझते हैं कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मैं उन्हें यतीमुल अक्ल समझता हूँ। हुजूर के बारे में ये सोचना कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब इस पर बड़ी बहस हो सकती है और बड़े बड़े मुफक्किरीन के हवाले दिए जा सकते हैं। साहब आप ये कैसे कह रहे हैं, फुला साहब ने तो कहा है कि वाकई हुजूर पढ़ना लिखना लिटरली नहीं जानते थे। कुछ नहीं पढ़ा नाम हो किसी भी मसलक का, मैं उसका तख्तिया करने के लिए तैयार हूँ, अकली तौर पर भी और नकली तौर पर भी, अकली दलाइल से भी और नकली और समयी दलाइल से भी। सबसे पहला मसला यह कि हुजूर अगर वाकई लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो जो काम कोई शख्स कर नहीं सकता अल्लाह उसको वो काम करने का हुक्म दे नहीं दे सकता। एक अमर महाल से मुताल्लिक अमर कैसे दे सकता हूं, ये किस तरह मुमकिन है कि हम झुक ना सकते हो खुदा के रुको करो, ये कैसे मुमकिन है कि हम सजदा ना कर सकते हो और परवरदिगार फरमाए के सजदा करो, ये कैसे मुमकिन है कि हम खड़े ना हो सकते हो परवरदिगार कहे खड़े हो जाओ, खड़े रहो कयाम करो। कोई भी फेल, कोई भी अमल, कोई भी अम्र जो हमारी इस्तेदार और हमारे इख्तियार से बाहर है परवरदिगार का कोई अम्र उससे मुतअल्लिक नहीं हो सकता। तो अगर परवरदिगार ने पहली ही वही में पहला कलिमा बराह रास मुस्तफा से कहा इकरा, यानी पैगंबर पढ़ना जानते थे, मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, मैं खुद नाम तो नहीं दोहराना चाहता, इसमें कोई मसले की फर्क नहीं है। बहुत से मुफक्किरीन ने फलासफा ने कज हो गई निकाह क्या कर सकते हैं, वो यही समझे कि हुजूर वाकई लिखना पढ़ना नहीं जानते। लिखना पढ़ना न जानना यानी ये कुदरत न रखना, ये मलका न रखना अलग बात है और न लिखना अलग बात है। मैं कुछ लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अल्लाह का शुक्र है, मगर यहां मिंबर पर आप ये लिखिए मैं कभी नहीं लिखूंगा, इसलिए मकाम मेरे लिए लिखने का मकाम नहीं है, ये मकाम ये माहौल ये सिचुएशन लिखने की नहीं है। तो कभी कभी अब अगर आप कहें लिखिए अभी लिख के दीजिए और मैं ना लिखूं, मैं किसी और से कहूँ भाई मैं जो कुछ बोल रहा हूँ लिख दीजिए, इसके मानी है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ मेरा लिखना शायाने शान नहीं है। पैगंबर की एक पवीर जिंदगी इस दुनिया में मिंबर रिसालत पर चूंकि मुतमक्किन थे, आपको खिताब करना था, आपको तबलीग फरमाना था, इसलिए बहुत सी हिकमतें थी कि लिखना आपके शायाने शान न था। और किताब हाथ में लेकर पढ़ना आपके शायाने शान न था। किताब हाथ में लेकर वो पढ़ता है जो किसी और की लिखी हुई किताब पढ़े, जो किताब किसी को हिफ्ज ना हो, जो किताब किसी के सीने में ना हो वो लेकर पढ़ना उसकी मजबूरी होती है। जो खुद जाने किताब हो, असल किताब हो, मतन किताब हो, बतने किताब हो, उसे गुलाम फकीर ने, गुलाम फलसफी ने, गुलाम मुतकल्लिम ने, गुलाम मुज्तहिद ने, गुलाम फकीह ने, ठीक है वो सब फकीह है, ये भी तो तालिबे इल्म है। ये कहना गुस्ताखी है, जसारत है, बेअदबी है और यतीमुल अक्ली है।
हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, नहीं लिखना भी जानते थे पढ़ना भी जानते थे, और सिर्फ लिखना जानते नहीं थे लिखना सिखाना भी जानते थे, सिर्फ पढ़ना जानते नहीं थे पढ़ाना भी जानते थे। और उसकी एक दलील छोटी सी देकर आगे बढ़ जाऊं, हुजूर ने कभी नहीं लिखा और कभी नहीं पढ़ा। किसी के हम सामने जाने बैठ सकते हैं, किसी के शागिर्द नहीं हूं, जो हामिले रिसालत है, जो हामिले नबुव्वत है, जो हामिले पैगाम इलाही है, जो मकतब मशीयत में तरबियत पाकर है, जो कहने वाला है अदब नी रब्बी, मेरे रब ने मेरी तरबियत की, मेरे रब ने मुझे तालीम दिया, मेरी तालीम मेरी तरबियत मेरी तकमील सब मेरे रब हो चुकी है, मेरे रब ने बिला फसल बिला वास्ता। तो यहाँ इस दुनिया में आने के बाद उस ज़ात करीम को उस ज़ात अज़ीम को किसी के सामने जाने में अदब तय करने की ज़रूरत है, किसी की शागिर्दी अख्तियार करने की ज़रूरत है, नहीं चुनांचे नहीं किया, किसी के शागिर्द नहीं थे और नहीं लिखा नहीं पढ़ा, तो लोगों को शुभा होने लगा कि पता नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर यकीन के अंदर पहुंच गया। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी हर शख्स का यकीन काबिल एतबार नहीं होता, हर शख्स का काकर हर शख्स का यकीन काबिल एतबार नहीं होता। कत्ते कत्ता की बहस को असर नौ गौर करने की जरूरत है, हर काकर को हर यकीन को तस्लीम नहीं किया जा सकता, इंतजार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आज करता हूं हर इंसान का एहतराम मैं करता हूं, लेकिन हर इंसान के हर बातिल अकीदे का एहतराम नहीं करता। अकीदे मुमकिन है जहालत की बिना पर मबनी हो, और मुमकिन है अकीदे इश्तबाह की बिना पर इल्तिबास की बिना पर पैदा हो गए हो, मुमकिन है कि अकीदे वाकई हक और मंतर और सदाकत और सच्चाई की बिना पर, तो जो वाकई सही अकीदे हैं उनका एहतराम किया जाएगा, लेकिन जो बातिल अकीदे हैं हम बातिल अकीदों का एहतराम नहीं करेंगे। जो लोग उन बातिल अकीदों में मुब्तला हैं उनका एहतराम करेंगे, और उनके एहतराम का तरीका यह है कि उनको हक की तरफ दावत देते रहेंगे। लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया कि हुजूर नऊज़ु बिल्लाह लिखना नहीं जानते थे पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को एक ऐसा शागिर्द दिया। इसने हुजूर कायनात गवाह है, तारीख गवाह है, दोस्त दुश्मन गवाह है कि अली इब्ने अबी तालिब ने रसूल के अलावा किसी से कुछ नहीं सीखा, और अली इब्ने अबी तालिब जिंदगी भर लिखते भी रहे और पढ़ते भी रहे, तो बताओ इन्हें लिखना किसने सिखाया पढ़ना किसने सिखाया। रसूल नहीं लिखते थे ना, अली लिखते थे, अली ने लिखना किससे सीखा, किसी जाहिल से या जहूर से या जालिम से या जलूम से, क्या कहूं असल में दुश्मना ने हक व हकीकत के लिए जो मुनासिब अल्फाज हैं वो तो कुछ और ही हैं। दुश्मना ने हक और दुश्मना ने हकीकत कहा है। बारह तो तवज्जो बरकरार है माशाल्लाह कि खुद पढ़ना बहुत बुलंद मकाम है,
ये कुरान पढ़ना गलत मकाम है, समझना बहुत गलत मकाम है। बहुत आज मैं अपने साथियों से, दोस्तों से, अजीजों से, बच्चों से कहता हूँ, बहुत जल्दी अपने को पढ़ा लिखा न समझने लगना, कहीं इस मुगालते में मुब्तला ना हो जाना। डेढ़ दो किताबें पढ़ी और समझ लिया कि हम आलिम हो गए। बहुत से हमने देखे हैं पूरी किताब पढ़ लेने के बावजूद आलिम नहीं बन पाते, और इसीलिए ये इस्तेलाह मेरी नहीं है, ये इस्तेलाह तो पहले से मौजूद है। लोग आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू में अक्सर ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि भाई बोला साहब, अरे छोड़िए वो तो पढ़े लिखे जाए, पढ़े लिखे जाए ने कौन सा तजाद है, इसके मानी है बज़ाहिर ये स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए, बज़ाहिर इन्हें डिग्रियां भी मिल गई, मगर अल्फाज सीख लिए, अल्फाज के मानी से आशना है। ये काली काली पुतली काली काली रोशनाई से लिखे हुए निशानात को पहचानने लगी, मगर नूरे जहन और नूरे कल्ब नूरे मानी को पहचानने से कासिर रह गया, कासिर रह गया। खुद पढ़ना, तवज्जो रखना, अजीजों, जवानों, बच्चों, तवज्जो रखना क्या अर्ज कर रहा हूं, और कुरान की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, खुद पढ़ना एक तरह बहुत बुलंद मंजिल है, बहुत बुलंद मकाम है। और कुरान मजीद ने, वही इलाही ने, वही मुस्तफावी ने, पैगाम मुहम्मदी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले ही कलमे में इस मकाम रफी, इस मकाम बुलंद की तरफ इंसान को पुकारा है, इकरा। लेकिन पहली मंजिल में बराह रास ये खिताब इकरा का किसके लिए था? खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों मकाम इकरा بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم, दो मरतबा इकरा एक के बाद एक। उसूल फिक्र की किताबों में ये बहस है कि एक ही अम्र अगर मुकर्रर हो जाए, एक अम्र के बाद दोबारा वही से गए अम्र आए, तो ये कौन सा मकाम है सुखन। अब आजकल बहुत से उसूली हजरात इस मकाम पर एक दो सत्रों में गुफ्तगू करके आगे बढ़ जाते और हक अदा नहीं करते बहस। जाहिर है कि मकाम नहीं है कि हम उसूल फिक्र की इस मंजिल को तय करें और आपके सामने पेश करें। इशारा कर रहे हैं जो हजरात अहल होंगे वो इस पर काम करेंगे। बड़ी बड़ी किताबों में यह है कि सेगा अमर बहस अमर में जो और बहसें हैं, जब अल्लाह सुबहानहु व तआला कहे कोई बात अम्र के से, जैसे इकरा पढ़ा, पढ़ा माजी में पढ़ा, या प्रो पढ़ता है या पढ़ेगा, इकरा पढ़ो, ये सेवा क्या है अम्र। ये जो अम्र का सेवा है, परवरदिगार कोई भी बात अम्र के सेवे में कहे, और फिर वही बात उसी जुमले में या उसी सियाक व सबाब में फिर दोहराए, तो तहकीक की क्या मंजिल होगी। भगवान अब आप देखिए एक ही लफ्ज़ इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم, ये एक इकरा के बाद दोबारा इकरा क्यों आया? वाज़ह है ये असरार, ये रुमूज, ये बुतून, ये मकामात बहुत गौर तलब है। लेकिन दोनों मकामात पर खिताब पहली मंजिल में सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। एक लतीफ सी बात है, एक लतीफ़े कुरानी है, लतीफ़े कुरानी में जिस माना में कह रहा हूं, लतीफ नुक्ता है, तवज्जो रखिएगा, वो ये कि कभी कभी ये भी होता है कि कोई अम्र किया गया, देखा कि जिसको अम्र दिया है इसने इस अम्र को नहायत शाइस्ता तौर पर अंजाम दिया,
इतनी उम्दा तरीके से वो तामील की है कि दोबारा कहा भाई फिर ये काम करो, तुम ही शाया निशान हो, तुम ही शाइस्ता हो इस काम के। तो इसके मानी ये है कि परवरदिगार ने शान किरात मुस्तफा को इतना पसंद किया। फिर फरमाया करा कायनात की करत, हकायक की करत, हकीकत की करत, उलूम की करत, मुतून मशीयत की करत, कुतुब इलाहिया की करत। मैं क्या अर्ज करूं यहां करत के कितने मरातिब और दर्जात हैं। एक बहुत सी बहसें हैं यहां पर, एक के बाद एक फिर का एक तरह वरब वो कल और माने सुखन सूरह इखलास है मगर तमहीद में ये बहस आ गई तो अर्ज करता चला जा रहा हूं। एक तो ये है मंजिल, एक लतीफा और है, यानी एक लतीफ बात और है, एक दकीक बात और है, और वो ये है कि हम अमूमन दो आलम से वाकिफ हैं। एक ही आलम जो निगाहों से नजर आता है, चेहरे पर जो निगाह है इस निगाह से एक आलम नजर आता है, और एक निगाह दिल में छुपी हुई है। एक आलम उस दिल की निगाह से नजर आता है, तो एक करत इससे हो सकती है और एक करत उससे हो सकती है। पहली करत एक करा, दूसरी करत एक करा, और हमारे यहां और इसीलिए कहा कि परवरदिगार ने देखो तो वो करीम कैसा है, वो अकरम कैसा है, वो लुत्फ फरमाने वाला कैसा है, वो कैसा फैज जारी उसका है कि अल्लम अल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। सब बहुत और अलग मकाम आते हैं, यहां साइंस की बहसें भी आ जाएंगी, यहां फलसफे की बहसें भी आ जाएंगी, यहां इल्मुल इल्म की बहसें आ जाएंगी, एपिस्टेमोलॉजी की बहसें आ जाएंगी, थ्योरी ऑफ नॉलेज आ जाएगी, यहां सब कुछ आ जाएगा। ऐसा आसान मकाम नहीं है। और फिर अर्ज करूं एक नुक्ता और अर्ज करके आगे बढ़ जाऊं, पहली वही जो नाज़िल हुई उसमें पहला लफ्ज सिग़ह अमर में इक़्रा, अजीब मकाम सुखन है। पहली वही में पहला लफ्ज कुल नहीं आए, पहली वही में पहला लफ्ज इक़्रा है, गोया ये अदब है। ये भी लतीफ मकामात सुखन में से है, जब तक पढ़ो नहीं बोलो नहीं। पहले पढ़ो, पहली वही में कुल का हुक्म नहीं है, इक़्रा पढ़ो, इक़्रा पढ़ो, बाद में कुल आया। और कुल आया तो बहुत मरतबा, इक़्रा तो मैंने कहा बस चार पांच मकामात पर है, तीन जगह गालिबन वाहिद के सिग़े में इक़्रा और दो जगह जमा के सिग़े में जहां हम सब शरीक हैं। और हमसे क्या कहा गया, फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन, फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन अल-क़ुरान, जितना पढ़ सको पढ़ो। अब जो है यही समझ में आ गया कि हमारी सकत कितनी है और उनकी इस्तेफाद कितनी है। जो कहते हैं कि वो हमारे जैसे थे, तवज्जो है, जो कहते हैं वो हमारे जैसे थे वो ये समझ लें कि उनके लिए मुतलक हुक्म है और हमारे लिए हमारी सकत है। तो जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। कुल का कलिमा कुरान मजीद में तकरीबन 332 मकाम पर आया, एक दो नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, मुहिब अहले बैत थे और उन्होंने अपनी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की। अल्लामे मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी जिन्होंने कुरान मजीद के एहसाइयात पर यादगार किताब लिखी है,
मुरजम मुफरस अल्फाज़िल कुरान करीम उनकी बताई हुई तादाद के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 332 मकाम पर 332 मकाम पर कुल का लफ्ज आया है। और ये लफ्ज सूरह मुबारक इखलास में जो मैंने आज सरनामा करार दिया है इसमें बिस्मिल्लाह के बाद पहला लफ्ज है, बिस्मिल्लाह के बाद पहला कलिमा है। एक जुमला कह के आगे बढ़ूं अगर आप कदर करें, कुरान मजीद का तर्जुमा तहतुल लफ्जी तर्जुमा कर लेना आसान है लेकिन कुरान मजीद के तर्जमे का हक अदा करना आम इंसान के लिए नामुमकिन है। इसलिए कि आप ये समझते हैं कि डिक्शनरी देख के और थोड़ी सी नहो पढ़ के थोड़ी सी सर्फ पढ़ के ये समझ जाएंगे कि कुल पाला या कुलों से गयाम है। और जब ये तालिब और यही रिपीट करते रहेंगे हर जगह जहाँ कुल आएगा जहाँ कुल आएगा, ये इराबुल कुरान में जितनी किताबें लिखी गई हैं कुल से गयाम कुल से गयाम कुल से गयाम। अब सुनिए ये जुमला याद रखिएगा और इसके दलील और सबूत और तफसील बयान करने के लिए कभी फुर्सत होगी तो ये तालिब इल्म हाजिर है। जितनी मर्तबा कुरान मजीद में लफ्ज कुल आया है नए मानी के साथ आया लोग समझेंगे मुबालगा है। अगर 332 मर्तबा लफ्ज कुल आया है तो 332 मानी में ये एक लफ्ज की तकरार ये दोहराते रहने से हक अदा नहीं होगा। कुरान मजीद का से गयम रहे कुल से गयम रहे यानी कहो कुल से गयम रहे यानी कहो कुल से गयम रहे यानी कहो। और ये जो कुल आया ये भी बहुत बुलंद मकाम की तरफ बुला रहा है, आगाज किताब में नहीं है। न जाने कितने कुल गुजर चुके 332 में से कितने गुजर चुके, कुरान मजीद के 114 सूरों में से ये कौन सा है 112वां सूरा है, बिल्कुल आखिर में सूरह इखलास। ये जो तरतीब है कुरान मजीद की ये तरतीब भी किसी और की दी हुई थोड़ी है, गलत है ये दावा गलत है ये बयान बाज मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन का और उलूम कुरान में काम करने वालों का कि कुरान मजीद की तरतीब किसी और ने की। कुरान मजीद की तरतीब हक सुभानहु व तआला की किताब किसी और की किताब नहीं थी, किताब हक को पैगाम हक के हामिल ने दस्त हक से जमा करवाया किसी और से नहीं। जब मैं अली को यदुल्लाह कहता हूं तो बहुत से मफाहिम के साथ तलवार उठाना भी हाथ का काम है कलम उठाना भी हाथ का काम है। अल्लाह की तरफ से तलवार उठाने वाले का नाम भी अली था, अल्लाह की तरफ से कलम उठाने वाले का नाम भी अली। जितने काम हाथ के सुपुर्द हो सकते हैं हक के वो सारे काम अली के सुपुर्द हैं। कलम हाथ में होता है, तलवार हाथ में होती है, किसी की कोई मदद हाथ बढ़ाई के तो करता है।
किसी गिरते को हाथ ही से तो थाम के उठाते हैं और मर। जितने हक के काम हैं जो हाथ के सुपुर्द हो सकते हैं वो सब अली के सुपुर्द हैं। तवज्जो है, कोई नहीं है कुरान मजीद को जमा करने वाला जुज अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम। यह खुद एक पूरी बहस है, बहुत बड़ी बहस है और बार बार ये बहस उठाई जाती है और अभी फिर मेरे इल्म में है कि नए फितने, बिल्कुल ताज़ा नए फितने उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं और बड़ी तैयारियों के साथ उठाए जा रहे हैं। तो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई आयत नाजिल होती थी तो हुजूर खुद वो आयत सुनाते थे, वो आयत पढ़ाते थे और वो आयत लिखवाते थे और ये बताते थे ये आयत कहाँ लिखो और तरतीब जो मौजूदा तरतीब कुरान है इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक सूरों की तरतीब रखी गई। इसमें भी हिकमत है, नज़्म कुरानी खुद एक एजाज है। इसमें सूरह इखलास आखिर में आया, आखिर में आया इसके कई असबाब हैं और बहुत से निकात हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये छोटा सा सूरा एक एतबार से कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा, अजीब मकाम सुखन है हक को हकीकत को समझने और समझाने के लिए। तवज्जो रहे, गुफ्तगू तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि शुरू की है हमने और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि साथ साथ अपनी फिक्र और अपनी नज़र का इस्तेमाल करते रहें, मुताला करें। मैं अक्सर ये तालिबे इल्माना जुमला कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि अपने मुखातबीन को, सामईन को सोचने पर मजबूर करूँ। बगैर सोचे और बगैर समझे कोई बात कबूल करना इंसानियत की शान के खिलाफ है। इंसान को जेब नहीं देता कि कोई बात बगैर सोचे समझे कबूल कर ले या कोई बात बगैर सोचे समझे रद्द कर ले। आपने कोई बात कही और मैं फौरन रद्द कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, फौरन अगर रिजेक्ट कर दूं तो ये इंसानी अमल नहीं होगा, ये इंसानी अमल नहीं होगा। तो सोचें, गौर करें, लेकिन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सामने रखें। लिखने पढ़ने के लिए कलम ज़रूरी है, किताब ज़रूरी है, रोशनाई ज़रूरी है, रोशनी ज़रूरी है ना। किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब हमेशा रोशनी में पढ़ी जाएगी। इसीलिए इस साल भी हमारा उन्वान क्या है, हकीकत और हुसैन। हकीकत किताब है, हुसैन रोशनी। क्या नाम जबान पर है, अर्ज करूं, जब्त कीजिए। 1400 बरस गुजर गए, अभी लोग हुसैन से आशना नहीं। मसाइल पढ़ रहा हूं हालांकि बहुत गुजर हुसैन इब्न अली हुज्जत हक हुसैन आरजू कल्ब मशीयत हुसैन
بینائی چشم مشیت حسین، امید چشم مشیت حسین، خیریه ذرا ساتھ دے دیجئے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی کسی ایک ایسے انسان کا نام تھا جس کے دو ہاتھ دو پاؤں تھے، ایک سر تھا، سینہ تھا، ایک آپ کے بیٹا تھا، جسم تھا، ایک ماں باپ کا بیٹا تھا حسین، بس. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوان عمری کتابوں میں جو تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے، سن اتنا میں پیدا ہوئے اور سن اتنا میں شہادت ہو گئی، بس. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، اس بلند مقام پر فائز ہیں، اس بلند مقام پر فائز ہیں جس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے اقرا کہا گیا تھا. تمام عالم بشریت کو جس بلند مقام تک دعوت دی گئی ہے اقرا کہہ کر، اس بلند مقام پر حسین فائز ہیں. اس لیے حسین کو صرف ایک دو ہاتھوں اور دو پاؤں والا انسان، ایک ابن آدم نہ سمجھیں. حسین وہ عظیم حقیقت ہے جس کے حوالے سے تمام حقائق کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر میں عرض کروں، یہ مذہبی جذبے سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ مسلکی نقطہ نظر سے نہیں عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی وہ حقیقت جسے آج تک بشریت سمجھ نہیں سکی. دو چیزیں اگر مسلمان سمجھ لیتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے، ایک ولایت، ایک شہادت. دو چیزوں پر مسلسل گفتگو کرتے رہنا کلمہ توحید پڑھنے والوں کا سب سے بڑا تقاضا ہے. توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ولایت اور شہادت کو نہ سمجھ لیں. ولایت وہ حقیقت جو ذات علی میں منحصر ہو گئی، شہادت وہ حقیقت جو ذات حسین میں منحصر ہو گئی. سید الاولیاء علی ہیں، سید الشہداء حسین. یہ القاب یوں ہی نہیں ہے، یہ شاعرانہ القاب نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں یہ بات، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ خطیبانہ مبالغے نہیں ہیں. ڈوبو، ڈوب کر حقیقت تک پہنچے. حقیقت کے سمندر میں غوطہ زنی، حقیقت کے آفاق میں پرواز کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت اور حسین کا رشتہ کیا ہے. حقیقت درک نہیں کر سکتا بشر، حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا ابن آدم جب تک کہ حسین سے توسل نہ کرے. حسین کا وسیلہ اختیار نہ کرے. عرض کروں گا، دلائل پیش کروں گا. یوں ہی نہیں عنوان قائم کر لیا حقیقت اور حسین، خود یہ عنوان فلسفیانہ اہمیت رکھتا ہے، سائنسی اہمیت رکھتا ہے، کلامی اہمیت رکھتا ہے، ادبی اہمیت رکھتا ہے، تاریخی اہمیت رکھتا ہے، حقیقت اور حسین کا رشتہ. اور اگر ہم حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حقیقت، حقیقت کے کتنے مراتب ہیں، حقیقت کے کتنے رخ ہیں، حقیقت کے کتنے پہلو ہیں، حقیقت کے کتنے آئینے ہیں، وہ سب ایک طرف. اور حقیقت اور حسین کے لیے اگر کوئی شاعرانہ عنوان قائم کرنا ہو تو بس یہ مصرع قبول کر لیجئے اور اس پر تبہ آزمائی کیجئے گا کہ حسین جوہر آئینہ حقیقت ہے اور حسین آئینہ حق نمائے فطرت ہے. آپا حسین ابن علی اور واقعہ کربلا،
दो चीजें अलग अलग हैं। ना आज तक इंसान हुसैन को समझ सके, ना आज तक इंसान वाकई का बला को समझ सके, ना आका हुसैन को समझ सके, ना वाकई करबला। बस आज दामन समेट रहा हूं बयान, जो बातें रह गई वो कल। आम तौर पर हर साल मुहर्रम आता है और पहली मुहर्रम से जो गुफ्तगू होती है वो कहां से शुरू होती है? मदीने से हुसैन की हिजरत। ये हिजरत क्यों मुसलसल बयान हो रही है? ये हिजरत इसलिए मुसलसल बयान हो रही है कि हम और आप भी हकीकत हिजरत से आशना हो। जब तक हिजरत ना करोगे तरक्की कैसे हासिल होगी? जब तक हिजरत ना करोगे बुलंदी कैसे हासिल होगी? जब तक जमीन को छोड़ोगे नहीं आसमान तक पहुंचोगे कैसे? है ना अजीब अजीब मकाम आते सोपान है। जमीन से वाबस्ता रहोगे तो आसमानों तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए हिजरत आशना बनो, हिजरत आशना, मुसलसल हिजरत। जिंदगी नाम तसलसल हिजरत का है। अब इसे ताली ना समझिएगा, कह लेने दीजिए कि ये छोटे छोटे जुमले मुस्तकिल तकरीरें दरकार हैं इनके लिए। जिंदगी नाम है तसलसल हिजरत का। एक मंजिल को छोड़ के दूसरी मंजिल तक जाना, पस्त मंजिल को छोड़कर बुलंद मंजिल तक जाना। आपकी जहानतों पे भरोसा करते हुए बहुत कुछ कहता हुआ चला जा रहा हूं और फिर अर्ज कर रहा हूं उसे तब ताली न समझिएगा शायराना। ये छोटे छोटे जुमले मुस्तकिल किताब चाहते हैं, मुस्तकिल बयान चाहते हैं, मुस्तकिल उनवान है। जिंदगी नाम तसलसल हिजरत का और हिजरत बुलंद से बुलंदतर मकाम तक पहुंचने का नाम है। हिजरत अगर बुलंद से बुलंदतर मकामात पर पहुंचने का नाम है, अगर ये चीज जहन दर्द कर ले, आकल कबूल कर ले, कश्फ कर ले, दिल की निगाह देख ले इसे, तब समझ में आएगा कि हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा और हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज से पहले मक्का क्यों छोड़ा। बस अब वक्त की अपनी महदूदियत है इसलिए आज गुफ्तगू यहीं पर रोक कर चंद मनाजिर निगाहों के सामने रहते हैं आपके, अक्सर आप अक्सर सुनते रहते हैं। आपा हुसैन जाहिरी हालात ऐसे पैदा हुए कि आप मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए और जिस शब मदीना छोड़ रहे थे उस एक शब में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नाना की कब्र पर नाना खुदा हाफिज़, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयद शहदा। किसमें सकत है जो तफसीलात को बयान करे, किसमें सकत है जो तफसीलात को समझ सके और किसे मालूम है तफसीलात। चंद जुमले मशहूर है, क्या क्या मुनाजात की है हुसैन ने, क्या क्या गुफ्तगू की है आका ने। तावीज़ कब्र पैगंबर पर रुखसार रख कर रोते रहे और कुछ गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद उठे और कारवां लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। कारवां था अजीम कारवां, अजीम कारवां। ये वो कारवां था जो पूरे आलमे बशरियत को, पूरे आलमे इम्कानात को उसके कमालात तक पहुंचाने के लिए रवाना हो रहा था। काश ये जुमले याद रहे। पूरे आलमे इम्कानात को उसके इंतहाई कमालात तक पहुंचाने के लिए जो कारवां निकल रहा है वो हुसैन का कारवां है और इसलिए इसमें
बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, खवातीन भी हैं। और क्या क्या गौ हरे नाया खानदान इसमत तो तहारत की है। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे हैं, हुसैन के साथ अली अकबर जा रहे हैं। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ आसिम इब्ने हसन जा रहे। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ ज़ैनब जा रही है। हाँ, हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ असगर जा रहे हैं। अब दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ अर्ज कर सकूं, वरना सिर्फ इसी मकाम पर हुसैन हुसैन अपने साथ असगर को क्यों ले गए और हुसैन सोहरा को क्यों छोड़ कर गए। किस कदर फिक्रंगेज इस मकाम में बीमार बेटी सोहरा को छोड़कर जा रही और नन्हे असगर को शीर खार को साथ लेकर जा रहे। फिक्र अंगेज मकाम है। तारीख निगारों की बहसों में नहीं उलझूंगा मैं आपको जिस मकाम की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, काश उस मकाम की तरफ जहन मुंतकिल हो जाए, काश इन हकायक को हुसैन के हवाले से हम समझ सकें। बस अब गुफ्तगू खत्म करूं, आपकी आवाजें बुलंद हो गई और दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं रह गई, इसलिए बस एक मंजर अर्ज करूं और गुफ्तगू ना तमाम करूं। कारवां चला मगर आसान तो ना था, ना बेटी का बाप से जुदा होना आसान था। इस कारवां का मदीने से निकलना आसान नहीं था और इसीलिए औरफा ने उन लोगों ने जिन्होंने वाकयात को अपनी आंखों से देखा है उन्होंने ये नकल किया है कि कारवां तैयार हुआ, आमादा हुआ, सवारियां सवार हो गई। कारवां कुछ आगे बढ़ा, एक दो कदम हुसैन पलट पलट के घर की तरफ देखते जा रहे थे। एक मरतबा देखा कि बीमार बेटी लड़खड़ाती हुई देहुरी से बाहर आ गई। कारवां फिर रोका। बेटी को बुलाया, एक एक से बेटी फिर रुखसत हुई। यहाँ पर परवरदिगार तेरे वालिद माजिद की रूह को बुलंदी आता फरमाए। वो बड़ी कैफियत के साथ, बड़े जज्बे के साथ पढ़ा करते थे ये मंजर कि जनाब सुगरा एक एक से मिली, एक एक से खुदा हाफिजी की, लेकिन जब जनाब रबाब के पास आई हैं तो अपनी गोदी को बढ़ा दिया फैला दिया। और जनाब अली असगर हुम्मत के बहन के आगोश में आ गए। अब कारवां जब चाह रहा था कि आगे बढ़े तो फिर जनाब रबाब ने बेटे को लेना चाहा, असगर ने माँ की आगोश में आने से इनकार कर दिया, बहन के सीने से लपटे रहे। भी आगे बढ़ी, एक एक बीबी आगे बढ़ी, किसी की आगोश में नहीं आए, सोहरा की आगोश में रहे। कहते एक मरतबा आका हुसैन आगे बढ़े, नन्हे के कान में कुछ कहा, बच्चे के कान में कुछ कहा और हुम्मत के बच्चा हुसैन की आगोश में आ गया। अजब नहीं आका ने फरमाया, हो मेरे बेटे तुम्हारा नाम महज़रे शहादत में शामिल है, तुम अगर न चलोगे तो कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। आका हुसैन का वास्ता हमारे लिए हकीकतों को मुनकशिक फरमा। परवरदिगार सैयद शहदा का वास्ता हमें मकाम सैयद अल मुरसलीन
और मकाम सैयदुल औलिया को समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मेरे महबूब, मिल्लत इस्लामिया के लिए हकीकत तौहीद के साथ साथ हकीकत विलायत और हकीकत शहादत को काबिल फहम बना दे। परवरदिगार आलम बशरियत को हुसैन से आशना कर दे। परवरदिगार हमें हकीकतों को हुसैन के हवाले से समझा दे। माबूद परवरदिगार आलम बशरियत बेचैन है, आलम बशरियत बेचैन है, अपने वली आखिर को इज़्ने ज़हूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा। मातम हुसैन।